मेरा नाम प्रवीण खिलारी है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। और 2019 में मेरी बीए कंप्लीट हुई थी। तो 2019 में जो गेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें मुझे 52 मार्क्स आए थे। मतलब मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, फिर भी मैं बहुत खुश था क्योंकि गेट एग्ज़ाम के 6 महीने पहले मैंने पढ़ाई शुरू की थी और यूट्यूब चैनल से, भरत कुमार महावर करके एक चैनल था, तो उसमें भरत कुमार सर ने इतने अच्छे से कंसेप्ट समझाए थे वीडियोस में कि वो वीडियोस से मैंने पढ़ाई, तो नोट्स और वीडियोस के ज़रिए मैंने पढ़ाई की थी और 52 मार्क्स आए थे मुझे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो 52 मार्क्स। और उसके बाद फिर 52 मार्क्स से मुझे एनआईटी, अच्छा वाला एनआईटी मिल सकता था, फिर भी मैं एनआईटी से खुश नहीं था। तो फिर मैंने एक और बार गेट रिपीट करने की कोशिश की, मतलब फैसला किया था। तो उसके बाद मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम भी था, और बाद में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने भी बताया मुझे कि तुम सिविल में गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी रहती है तो वहाँ पे क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो उसके बाद मेरे दिमाग में फिर मैंने वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की मतलब फैसला किया। तो शुरुआत में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, तो वहाँ से पता चला कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 मार्क, मतलब कंसेप्ट को लेकर ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते। तो मेरे पास भरत कुमार महावर सर के नोट्स थे, वो नोट्स ही मैंने रेफर किए थे एग्ज़ाम के लिए। और वो नोट्स और मैंने आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्वेश्चन भी किए थे वो, और गेट के भी, मतलब जो इजी वाले क्वेश्चन थे गेट के वो भी किए थे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सर के नोट्स जो है वो पॉइंट्स बहुत अच्छे से दिए सर ने, निकाले हैं। तो आरआरबी का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि आरआरबी में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो एक क्वेश्चन मुझे याद है पर पूछा था कि फेल्योर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर इन एलएसएम इज़, और जो पॉइंट में वैल्यू थी कि 0.0975 ऐसी कुछ तो वैल्यू थी। तो वो पॉइंट्स सर के नोट्स में है, भरत कुमार सर के नोट्स में है। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पॉइंट्स को लेकर रहते हैं। नोट्स की मदद से सर की वजह से मैं अभी महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज में 400 आउट ऑफ 300 मार्क्स आए हैं मुझे, और आरआरबी जेई में मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। अभी कोरोना की वजह से ज्वाइनिंग लेटर मतलब आया नहीं है, मतलब 2 पोस्ट मैं ऑलमोस्ट निकाल चुका हूँ ये नोट्स की मदद से, और बाकी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आईएएस के रेफर करके, मतलब ये बहुत हेल्पफुल है। थे अभी सर ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्टेट एजेई के लिए मतलब वीडियोस बना रहे थे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल पर देख सकते हो वीडियो जाके, अभी डिस्क्रिप्शन में सर ने लिंक दिया होगा, तो देख लो, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू गाइस।